संतों ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है भैया, भगवान नेत्र बंद करके ना भोले बाबा को ध्यान कर रहे हैं। हे महादेव बाबा, हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, लेकिन ये पूतना तो पहले ही पहले हमें विष पिलाने आ गई। अब यह विष को पान कैसे की हो जावे, या बारे में तो हमको बिल्कुल बताओ ना। और आपने तो महाराज सागर से निकलने वाले कालकूट विष को ऐसे पान कर लिया जैसे कि कोई जल का घूंट पान कर लेता है। कैसे पान करना है इसे हमें बताएंगे क्या? कुछ संतों ने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है। तो क्या है परीक्षित महाराज? कुछ संत कहने लगे रज की भैया ये कड़वो जो हूं तो है ना, ये नेत्र ही बंद करके पियो जावे तो कड़वा घूंट रहे। नेत्र बंद करके कभी दादी हमें दवा देती है ना, और कड़वी दवा होती तो कहती आंख बंद कर लियो पी जा। अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं ब्रजवासियों की मोहन के प्रति, काना के प्रति। लेकिन भगवान कुछ संत कह रहे हैं भगवान देख रहे हैं कि भैया ये पुतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूं, उसने कोई पुण्य किया या नहीं। लेकिन पुतना ने जैसे भगवान को सबसे पहले उसके विष का पान किया, उसके दूध पय का पान किया, पय माने दूध, उसके बाद में उसके रुद्र का पान कर भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। और जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, आज ये पूतना चिल्लाने लगी है छोड़ दे लाला, छोड़ दे मुझे। भगवान कहने लगे मौसी हमारी मैया ने अभी हमें पकड़ना ही सिखाया है, छोड़नो ना सिखाया। इसलिए जब हम किसी को पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं है। एक बार अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर नहीं छोड़ा जाता। जब तक पकड़ते हैं ये तब तक कुछ भी करूं, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं कुछ भी, लेकिन जब पकड़ लिया फिर नहीं छोड़ा जाता है। और आज प्राणों का हरण करके पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी, प्रेम से बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की, पूतना का वध कर दिया। इतना विशाल मृतक शरीर है पूतना का, जब ब्रजमंडल में आकर के गया है ना, तो ऐसा बताया जा रहा है हमारे ब्रज के ब्रजवासी तो भगवान कान्हा की लीला को आनंद लेने के ताई कि हमें भैया वो पापुनी पूतना जब गिरी यमुना के किनारे पर तो हाथ गिरे हाथरस में जाकर और कान गिरे कानपुर में जाकर। लेकिन वास्तविकता छह कोश के भीतर के लता वृक्ष पातों को तोड़ दिया पूतना ने, इतना विशाल रूप था उसका। और नंद बाबा ने आकर के उसके अलग अलग भागों में उसका दाह संस्कार किया, और उसके दाह संस्कार के होने से दिव्य ज्योति उसकी ज्योति वह सुगंधमयी हो गई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। पूतना का उद्धार भगवान ने यूं किया है। आगे स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, राजा परीक्षित मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि पूतना थी कौन। ध्यान देना, ये पूतना थी, आपने कथा सुनी थी राजा बलि, जिस समय बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं छोटा सा रूप धारण करके, तो वहां राजा बलि की बहन थी जिनका नाम था रत्नमाला, और सारे जो भी उन्हें देखता है ना वही मुग्ध हो जाता है देख करके भगवान को। यह खड़ी खड़ी देख रही थी दरवाजे पर, कितना प्यारा बालक है ये, इतना सुंदर सुगड़ लाला, अगर मेरा होता ना तो मैं अपने स्तनों से लगाकर इसे दूध पिलाती, ऐसा शेष का उमड़ आया। भगवान सब जान रहे हैं, लेकिन जब भगवान ने त्रिगुणात्मक रूप बढ़ाया अपना और सर्वस्व राजा बलि का अपना बना लिया, तो इसका वहीं खड़े खड़े भाव बदल गया। अगर ऐसा पुत्र मेरा बन के आ भी जाता किसी न किसी भाने ना, तो मैं अपने स्तनों से विष लगाती और इसे मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु, ये दोनों ही अवसर आपको मिलेंगे, हम आपका पय भी पिएंगे और विष भी पिएंगे, देखते हैं कौन हमें क्या करता है।
लेकिन आज वही पूतना बन करके आई राजा। कंस के भेजने के बाद में आज उसका भगवान ने उद्धार किया है। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे भगवान कुछ लीला और किए, लेकिन यहाँ सारे देवताओं ने गोविंद का दर्शन किया है ना, तो भोले बाबा ने कहा पार्वती जी से हम भी अपने लाला को दर्शन करने जाएं। माता जी ने कहा जाना है भगवान? लाला का दर्शन करने के लिए। मैया ने कहा लाला कहाँ है, किस लाला का दर्शन करना है? भोले बाबा ने कहा यशोदा मैया के लाला को दर्शन करने जानो है। तो हम भी चलें क्या? पार्वती जी ने कहा हम भी चलें। भोले बाबा ने कहा हम ही को है जाए बहुत जानो, तुम काय को साथ जाओ। और मैया यशोदा के यहाँ आकर के ना बहुत सुंदर अलग लगा दिया इन्होंने, बड़ा प्यारा सा अलग लगा। माताओं भिक्षाम देहि, मैया ने दरवाजा खुला देखा लाला को, अब तो महाराज गड़बड़ है। मैया ने कल बाबा कहा ले गो, यशोदा मैया सोन दुसाला हीरे मोती जवाहरात सब भर करके लाइए। लेकिन बाबा ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं लेते। तो फिर क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा तुम्हारे लाला को दर्शन करनो है। यशोदा मैया ने दरवाजा बंद किया, अंदर चली गई। पेरो लाला कोई भगवान है सो दर्शन करनो है? अरे सोन दुसाला हीरे मोती सब कुछ तो देना चाह, लेकिन कुछ भी नहीं लेता है, लाला के दर्शन नहीं करूंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहने लगे आज मैया से, मैया तू को किवाड़ मोए दर्श कराए दे लाला के। मैया तू को मोहे दर्श कराए दे लाला के, ओ मोहे दर्श कराए दे लाला के। मैया तू खोल किवाड़ मोहे दर्श कराए दे लाला के। हरि बोल। दौलत कछु ना चाहूं मैं, धन दौलत कछु ना चाहूं, धन दौलत कछु ना चाहूं मैं, धन दौलत कछु ना चाहूं, तेरे लाला के दर्शन चाहूं, तेरे दर्शन चाहूं, ओ तेरे लाला के दर्शन चाहूं, तेरे लाला के दर्शन मोए करवा दे दीदार दीदार, मोए दर्श कराए दे लाला के। मैया तू फूल की वाड़ मोहे दर्श कराए दे लाला के, ओ मोए दर्श कराए दे कनुआ के, मोहे दर्श कराए दे कनुआ के, मोए दर्श कराए दे छोरा के, मोहे दर्श कराए दे छोरा के। मैया तू ओ मैया तू खोल किवाड़ मोए दर्श कराए दे लाला के। मैया तू खोल किवाड़ मोहे दर्श कराए दे लाला। श्री राधे
कहने लगी बाबा देव तो दर्शन तो कराज लेकिन तेरो रूप भयंकर भारी है, 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 तुझे देख डरे बनवारी है, तुझे देख डरे बनवारी है, देख डरे बनवारी है, तुझे देख डरे बनवारी है, जोगी जा तनक अगार हो अगार ना दरस कराऊं लाला के मैया तू खोल किवाड़ हो किवाड़ तुम्हें दरस कराए दे लाला के ओ मोय दरस कराए दे लाला के मोय दरस कराए दे लाला के मोय दरस कराए दे छोरा के मोय दरस कराए दे छोरा के मैया तू जो तेरी इच्छा हो न पूरी है मेरी इच्छा हो न पूरी है तेरी इच्छा हो न पूरी है तेरी इच्छा हो न पूरी है रात मिले न तेरी जूरी है रात मिले न तेरी जूरी हो जाते मिले न तेरी जूरी है रात मिले न तेरी जूरी है जोगी जा तनक अगार अगार ना दरस कराऊं लाला के मैया तू खोल किवाड़ हो किवाड़ दरस कराए दे लाला के मोए दरस कराए दे कनुआ के मोए दरस कराए दे कनुआ के मोए दरस कराए दे लाला के मोए दरस कराए दे लाला के मोए दर्स कराए दे छोरा के मोए दर्स कराए दे छोरा के मैया तू खोल किवाड़ किवाड़ मोए दर्स कराए दे लाला के तू खोल किवाड़ किवाड़ मोए दर्स कराए दे लाला कराए दे लाला के मोहे दर्श 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 करा बोलेंगे शंकर भगवान की जय मैया से कहने लगे बाबा
भैया अपने लाला को दर्शन करा दे हमें। देख बाबा राजी से सुन ले, सच बोल रही हूँ, अपने लाला को दर्शन तो को ना ही कराऊंगी। और दरवाजो लगा लियो मैया यशोदा रानी ने। भोले बाबा बड़े परेशान सा, भगवान विष्णु को कहने लगे, भोले बाबा क्यों जी तुम्हारे घर पर आए हुए अतिथि का यही सम्मान है क्या? इतनी दूर से चल के आए हम आपके दर्शन को, लेकिन आपकी मैया अपनो दर्शन कराई ना रही। भगवान नारायण ने कहो, भगवान मैं तो अभी छोटा हूं, मैं तो आपके पास ही नहीं आ सकता ना, और मैया जब तक मेरो दर्शन आपको ना करावे तब तक तो बात बनने वाली ना है। भोले बाबा ने कहा, तो आप माया के स्वामी तो हैं भगवान, मायापति हैं आप, माया के स्वामी, ऐसी कोई माया कर दो कि मैया अपने आप चल करके आपको दर्शन हमें करा दे। और वही समय भगवान ने माया किया, योग माया को भेज दिया है गोकुल में। एक वृद्ध गोपी बनकर के योग माया पधार गई सब, और इधर लाला ने भगवान श्री कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया है। और इतना रोते हैं कि सेवकाएं जो लगी है ना, किसी से भी चुप होने में नहीं हो, और सारी घबरा रही बेचारी, नाना प्रकार से चुप करने में लगी है लेकिन चुप ही नहीं होते। मैया यशोदा आकर के नाना प्रकार से गालियां देने लगी, नाना प्रकार से सुनाने लगी इनको, लेकिन फिर भी भगवान चुप नहीं हुए। तो वह योग माया आ गई। आज वृद्ध बनी गोपी आज यशोदा मैया के पास में आके कहने लगी, क्यों रही यशोदा? हाँ, ये अकेलो लाला है तेरो, वृद्धावस्था में मिलो भगवान की कृपा है गई तो कू, और इतनी देर से रो रो है। जब मैं इधर से अपने खरक के लिए जा रही थी ना, तो रो तो ही छोड़ गई आकू, और लौट के आई तो रो तो ही मोकू मिलो, मुझसे देखो ना रे, तासू आई हूं, बाकी तो तेरी मर्जी है। क्यों, क्या परेशानी है, क्यों रो रहा है ये? यशोदा रानी कह रही है, बहन पता नहीं क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है, बहुत सी प्रयत्न कर लिया नाना प्रकार से लेकिन चुप नहीं होता, बहुत प्रयत्न कर लिया चुप नहीं होता। राई लाओ, नून लाओ, आरती करो, दीपक जलाओ, टीका लगाओ काला, नाना प्रकार का प्रयत्न कर लिया मैया हो, कौना टोना हो ना। जब बहु रानी लेके चली जावे ना लाला को कहीं फंक्शन में, विवाह में पियर, तो दादी का करे, जब वहां थकान चिड़चिड़ चिड़चिड़ में अब थोड़ी परेशानी सी है जा लाला को, तो अब दादी का कर ले गई, मना करते हैं है? अब करलाई बीमार, न जाने कौन कौन देखोगो, नजर लग गई याकू, चाहे बेचारो वैसे ही परेशान है रहे, लेकिन याकू नजर लग गई। अब बड़ी लंबी सी बात थी बताए ऐसे लंबी सी बात थी, बना के तेल में भिगो करके और आकू चार ऐसे उतार, नजर लगा के लाई, और जैसे हुआ को लटका दे उल्टी बाती को, और हमें माचिस से आग लगा दे मेरा, तो बाती फर नीचे की ओर तेल, ऊपर बाती लटकी हुई है, अब जब नीचे तेल आ जाएगा सारी बाती का, और जब उसे जलाओगे थोड़ा देर तो लगेगा, और देर लगेगा सारा जो तेल का वजन है ना, वो नीचे होगा ना, तो वो फर फर करेगा, और जैसे वो बाती करती है फर फर, थोड़ा सा रंग भी बदल जाता है, फिर का कहे देख ले लाल गुलाबी रंग वाली है ना, जाएंगे लगाई नजर है, ये दुलार होता है माताओं का, या ही नहीं नर लगाई है, आई थी ना ऐसी साड़ी पहन के कोई, और बहू कह डर की मर, हाँ आई तो हती माता जी, आई तो हती, ऐसी ये प्यार होता है पुत्र के लिए, अपनापन। लेकिन वो योग माया कहने लगी है, मैं तुझे सांची सांची बताई हूं, तेरे दरवाजे पे ना मैंने एक जोगी को बैठे हुए देखो, भगवान से मिलाने की प्रक्रिया चालू, और लाला और जोर से रोने लगे योग माया को देख करके। यशोदा मैया ने कहा, हाँ मेरे लाला को दर्शन करने आयो, तो योग माया ने कहा, मोकू तो वो जादूगर सो दिखे, और शायद वाई ने कोई जादू डोना की हो,
अब यशोदा मैया के दिमाग में बिल्कुल बात बैठ गई, सच कह रही हो, और एकदम से गई बाबा के पास में जाके कहने लगी, बाबा अब तो को ना छोड़ूंगी, या तो राजी राजी सु बता दे कि तेने कहा जादू तो मेरे लाला पे कियो है, नहीं तो फिर नंद बाबा और सेवकों को बुलवाऊंगी, तो बंधवा लाऊंगी, फिर देखियो तेरो कहां है बेगो। बोले बाबा ने कहा, स्वामी आपके दर्शन करने आए थे, या भगवान की बात कहां से आ गई? भगवान कृष्ण ने मन ही मन कह दिया, जैसा हो रहा है होने दो, अगर दर्शन करना है तो जैसा हो रहा है होने दो। लेकिन भोले बाबा ने कहा, मैया बंधवाने की नौबत ना आए तो, माता ने कहा तो मेरे लाला पे से जादू को उतार ले और यहां से चलो, या फिर नहीं बंधवाऊंगी। भोले बाबा ने कहा, ठीक है मैया, ये जादू तो मैंने ही चलाया, लेकिन मेरी मजबूरी है। कहा मजबूरी तेरी? मैं अपना जादू चला तो दू। अब भोले बाबा को दर्शन भी तो करना है, कैसे होगा? लेकिन उतार तब ही पाऊ जब जापे जादू चलाया जापे ना, जब वो मेरे पास में आ जावे। यशोदा रानी तो घबरा गई, अब तो या को जादू उतर भी ना पावे गो, नंद बाबा आ गए तो परेशानी है जाएगी। भागी भागी गई बेचारी, नाना प्रकार से अनेक वस्त्रों में लपेट करके लाला को लेके आई। चेहरा ही चेहरा चमक रो है, ऐसे दिखा रही है, दर्शन कर ले जल्दी से उतार। नहीं मैया, ऐसे ना उतार पाऊ, कैसे उतार पाएगो? जब तक गोद में ना देगी ना, दर्श परश ना होएगो ना, तब तक ना उतार पाऊ जादू को। और जैसे ही भगवान को गोद में दिया भोले बाबा की, रोना धोना बंद हो गया। साहब मैया यशोदा जितनी जोर से रोए थे बाल कृष्ण भगवान, उतनी ही जोर से आज खिलखारी मार करके हंसने लगे। और जब हंसने लगे, यशोदा मैया कहने लगी, बाप रे, इतनी जोर से रो रहा था, इतनी जोर से हंस रहा है, जैसे कोई रिश्तेदारी निकल आई है इसके साथ में, कोई रिश्तेदारी निकल आई है। और महाराज यहां पर क्या हो रहा है? हर सो हर हर सो हर मिलकर नैना भय निहाल, या छब मेरे उर बसो शंकर और गोपाल। देवता लोग विमानों पर चढ़ करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और केवल एक ही आंसर, प्रभु जी आपका गोपाल का और आपका मिलन है ना, यह छवि सदा सदा हमारे हृदय में समाविष्ट हो जाए। हर सो हर सो हर मिलकर नैना भय निहाल, बड़ा सुंदर भाव है। बोले बाबा ने को, मैया ले अपने लाला को, कभी ना रोवे गो। ऐसे चलने लगे, मैया ने को, सुनो तेरो जादू पीछे ते कभी आके फिर से करण लगो तो कहां होगो, कहां पतो ठिकान बता तो जा बाबा। मैया की आयत है बे, जब कोई बाबा मिल जाए ना। बोले बाबा ने कहा, मैया सच बता रहा हूं, आज की बार में ये तेरो लाला रोएगो ही नहीं, विजयसी का वरदान दे दिया है मैंने तेरे पुत्र को, कभी नहीं रोएगा। और यहां अगर रही बात मेरे पते ठिकाने की, तो मेरा पता तो यह है, जहां पर जिस नाली पर बैठ करके तेरा यह लाला स्नान करता है ना, मैं उस नाली में लेट लगाता हूं, यही मेरा पता है। और इतना कह करके बाबा चला गया। मैया यशोदा ने कहा, न जाने कौन पागल क्या बक रहा था उस समय। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी महाराज, धीरे धीरे भगवान बाल कृष्ण 6 महीने के हो गए, और जब 6 महीने के हो गए ना, तो 6 महीने का जब बालक हो जाता है ना, तो कुछ उसे अन्न का ग्रास दिया जाता है, और वही तैयारी है, क्योंकि यह तो नंद का लाला है भाई, ब्रज के राजा है नंद, और नंद का लाला है, तो यह तैयारी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है सारे नगर वासियों की तरफ से। लेकिन आंगन में लाला का पालना और आंगन में इकट्ठे होने वाले ब्रजवासी, इसलिए काई को या बात को ढानी ना है, अपने ही लगन में मस्त। जो भी आता है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लाला के पालने को थोड़ा सा सरका देता, अपने लिए जगह कर लेता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता, अपने लिए जगह कर लेता है। और बस ऐसे ही करते करते वो कन्हैया का पालना है ना, वह एक सकट के नीचे जा पहुंचा है, बैलगाड़ी के नीचे पहुंच गया, जिस पर बहुत सी मटकियां रखी हुई है, और यहां कंस का भेजा हुआ दैत्य सकटा सो रह गया है महाराज, सकता सो।
और जैसे आया काना को नीचे देखा, देख कर मंद मंद मुस्काने लगे, प्रभु आ गए, स्वागतम वो महाभाग पधारी है हमारे यहाँ। और ये भगवान को मारने के लिए जैसे उस बैलगाड़ी को नीचे दबा रहा है, भगवान ने धीरे से पैर उठाया और जैसी उसे लगा बैलगाड़ी आकाश में उड़ करके चली गई। सकता सुर की गोविंदा ये नमो, ये इतना सब कुछ किया कोई पता नहीं चला किसी को, लेकिन जब बैलगाड़ी नीचे आकर के गिरी, धड़ाम धड़ाम से ये मटकियां फूटी, तो बस क्या था, अब तो यशोदा मैया गाबड़ा गई और सारे नगर वासियों को पूछने लगी, अरे भैया बताओ तो सही कहा भयो यहां पर। अब कोई भी जवाब नहीं देता कि क्या भयो, केवल दो बालक थे छोटे छोटे, और नन्हे नन्हे बालकों ने आकर मैया के साड़ी को पल्लू पकड़ के खींचो, अरे ओ मैया। यशोदा रानी ने कहा, कहा कहनो चाहो हम बता में कहा भयो, कहा भयो ये बैलगाड़ी कैसे उड़ गई, किसने किया, कैसे हुआ। बात कर